कुलभूषण यादव पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा, पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान और डीजी जनूबी एशिया की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पाकिस्तान का कानून फैसले के असर नौ जायजे की इजाजत देता है। कुलभूषण ने फैसले के असर नौ जायजे के हक को रद्द कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध की कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑफिस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक वाकये की एक ही JIT होती है। अली जैदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, कोई मोटरसाइकिल पर रिपोर्ट पकड़ा गया, उन्होंने वो मौजे ज़ेबान में पेश कर दी। मुराद अली शाह का कहना था कि तमाम दस्तखतों के साथ रिपोर्ट वजारत दाखिला के दफ्तर में मौजूद है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं, एक दिन में 83 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2,980 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 91,602 हैं। लाहौर में आज रात से दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन होगा। 7 नए मुतासर इलाकों को रात 12 बजे से मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। वाबडा टाउन DHA, जौहर टाउन सी ब्लॉक, ग्रीन सिटी एक हफ्ते के लिए बंद होंगे। लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। कराची वालों को 11 जुलाई से दूध 120 रुपए फी किलो मिलेगा। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफे का ऐलान। शाकिर गुजर का कहना है, कीमत में 330 रुपए फी में इजाफा बाहमी मुशावरत से किया। और इंतजार की घड़ियां खत्म, इंटरनेशनल क्रिकेट 3.5 माह बाद आज बहाल होगी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम्स टेस्ट में मद्दे मुकाबले होंगे। मैदान तमाशाइयों से खाली होंगे, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में तमाशाइयों की मस्नूई आवाजें गूंजेंगी।